देश के साथ साथ उत्तराखंड में भी कोरोना से हालात लगातार बिगड़ रहे हैं। लगातार बढ़ती कोरोना मरीजों की संख्या से राज्य सरकार की चिंताएं बढ़ गई हैं। इसके साथ ही सरकार ने भी सभी लोगों को दिशा निर्देश दिए हैं कि कोरोना की रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद अगर उन्हें कोई परेशानी नहीं हो रही है तो वो सभी होम आइसोलेट हो सकते हैं, और उन सभी होम आइसोलेट मरीजों को सरकार उनके घर पर ही होम आइसोलेशन किट पहुंचाएगी। लेकिन किट मरीजों तक नहीं पहुँच पा रही है, जिसकी पड़ताल करने न्यूज वर्ल्ड इंडिया की टीम पहुँची। न्यूज वर्ल्ड इंडिया की टीम देहरादून के सीएमओ ऑफिस पहुंची तो उन्होंने देखा होम आइसोलेशन किट सीएमओ ऑफिस में पर्याप्त मात्रा में मौजूद हैं, लेकिन किट लोगों तक नहीं भेजी जा रही। इसके पीछे की वजह जानने की कोशिश की गई तो पता चला कि किट में प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत का फोटो है, जिस वजह से किट लोगों तक नहीं भेजी जा रही है। और सीएमओ ऑफिस में सभी कर्मचारी पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत की फोटो हटाने का काम कर रहे हैं, और जिन किट से फोटो हट गई है वो किट ही लोगों तक पहुंच पा रही है। पूरे प्रदेश में कोरोना के जो मामले हैं वो लगातार बढ़ते ही जा रहे हैं। देश भर के साथ साथ उत्तराखंड में भी जो हालात हैं वो काफ़ी बिगड़ते हुए नज़र आ रहे हैं, और सरकार के लिए भी काफ़ी चुनौतियां यहाँ पे सामने दिख रही है। अगर बात करी जाए तो सरकार भी यहाँ पे जो है कोरोना के मरीज़ से यहाँ पे कह रही है कि होम आइसोलेट हो, और जो मरीज़ यहाँ पे होम आइसोलेट यहाँ पे हो रहे हैं और उनको जो किट जो यहाँ पे वितरण हो रही है उनमें काफ़ी देरी हो रही है। तो वो जो देरी हो रही है वो इसलिए हो रही है, हम आपको साफ तौर पर तस्वीरों में यहाँ पे दिखा सकते हैं। जो देरी की वजह है वो इसलिए है क्योंकि जो यहाँ पे जो किट यहाँ पे जो दी जा रही है होम आइसोलेशन जो किट है वो यहाँ पे आज न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया की जो टीम है वो यहाँ पे रियलिटी टेस्ट करने आई है, और हम आपको दिखाएंगे जो लेट यहाँ पे हो रही है वो इसलिए हो रही है क्योंकि इस कोविड 19 होम आइसोलेशन किट में आप देख सकते हैं जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं त्रिवेंद्र सिंह रावत, उनकी यहाँ पे फोटो लगी हुई थी। इसको लेके जो ये मेन यहाँ पे जो कारण था वो यही था, जो इन किट थी इनमें जो है आप देख सकते हैं तमाम जो किटें हैं इनमें जो है पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत की फ़ोटो यहाँ पे नज़र आ रही होगी आपको। इसीलिए जो होम आइसोलेशन में जो लोग यहाँ पे रह रहे हैं उनको यहाँ पे देरी हो रही है। उसके बाद अगर बात करी जाए अब यहाँ पे जो सीएमओ हैं डिमरी जी, उनका साफ तौर पर कहना है कि ये जो पैकिंग थी ये यहाँ पर पहली हो गई थी, समय पर किट यहाँ पर दी जा रही है, लेकिन जो पेशेंट यहाँ होम आइसोलेशन में है उनका साफ तौर पर कहना है कि जो किटें उनको मिल रही हैं उनमें काफ़ी देरी है, और एक यही बड़ी वजह यहाँ पे देखी जा रही है। और भी हम आपको अगर बात करें तो हम आपको दिखाएं तो जिस तरीके से जो अब जो है पूर्व मुख्यमंत्री की जो फ़ोटो थे वो यहाँ पे हटा दिए गए हैं, नई पैकिंग यहाँ पे हो रही है, हम आपको साफ तौर पे दिखाएंगे जिस तरीके से यहाँ पे हम नई पैकिंग यहाँ पे हो रही है, और भी डब्बे हम आपको दिखाएंगे। पूर्व मुख्यमंत्री की जो फ़ोटो थी वो इससे हटा दी गई है, और जिस तरीके से आप देखो तो नया लोगो यहाँ पे लगा दिया गया है जिसमें कोविड का टीका ये बैनर एक यहाँ पे लगा दिया गया है। तो आप साफ तौर पे देख सकते हैं किस तरीके से जो पूर्व मुख्यमंत्री की फ़ोटो थी वो यहाँ पे हटा दी गई थी और नई पैकिंग यहाँ पे हो रही है। वहीं जब हमारे संवाददाता ने सीएमओ से बात करने की कोशिश की तो वो किट में देरी होने की वजह कुछ और ही बताते हुए नजर आए। सीएमओ का कहना है कि किट सभी लोगों को मिल रही है और सभी कर्मचारी किट पहुंचाने के लिए तेजी से काम भी कर रहे हैं। मरीजों की संख्या अचानक से बढ़ी है, इस वजह से किट लेट हो रही है। कोई भी अगर आपसे कह रहा है तो बिल्कुल गलत आपको कह रहा है कि जो है मुख्यमंत्री की फोटो लगी इससे नहीं बढ़ रहे हैं। आप देख रहे हैं कि नीचे लोग कितने लोग लगे हुए होम आइसोलेशन किट बनाने में, ये लोग डेली लगे हुए हैं और सुबह से लगे हैं, सुबह से शाम तक जो है ये लोग सारे किट बना रहे हैं। तो इसका मतलब ये नहीं कि किट की कमी हो गई है, हम लगातार बना के रख रहे हैं क्योंकि आप देख रहे हैं एक दिन में हजारों मरीज आ रहे हैं। तो ऐसा तो नहीं कि जब मरीज आ जाएगा तब हम किट बनाएंगे, तो हम उसकी पूरी तैयारी करके रख रहे हैं, जो कि प्रशंसा होनी चाहिए इस बात की। हम भी पूरी तैयारी करके हमारी पूरी टीम लगी हुई है ताकि कल परसों नर्सों भी जैसे जैसे पेशेंट आते हैं सबको भेज जाए। आप देख रहे हैं कि संख्या बहुत ज़्यादा है और अचानक से संख्या बढ़ी है, तो इसका पूर्वानुमान किसी को नहीं था। तो इसलिए जो है ऐसा हुआ कि जो है थोड़ा सा उसमें किसी को एक दिन देर में मिल पा रही है, लेकिन हमारी टीम उसमें पूरी क्षेत्र में भी लगी हुई है, दूरभाष से भी उनके संपर्क में है। कई लोग जो आप कहेंगे कि उनको नहीं मिल पा रही है, उनका है क्या कि कई लोगों ने फ़ोन नंबर गलत दिए होते हैं। ऐसे में जिस तरह से सीएमओ किट पर्याप्त होने की बात कर रहे हैं, सवाल उठता है कि अगर किट पर्याप्त मात्रा में है तो फिर मरीजों तक क्यों नहीं पहुंच पा रही है, क्यों मरीजों तक किट पहुंचने में देरी हो रही है। वहीं देखने वाली बात होगी कि होम आइसोलेशन में जो मरीज हैं उन तक किट कब तक पहुंच पाएगी। देहरादून से न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया के लिए आशीष रमोला की रिपोर्ट।